हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्लेटर रूल को पढ़ेंगे। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लेटर रूल और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उससे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका एक नाम है शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आए या शील्डिंग इफेक्ट आए, दोनों बात एक ही है। देखिए शील्डिंग इफेक्ट यानी ऐसे शील्ड क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एटम है, जितने भी ऑर्बिटल हो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए कि हमारा न्यूक्लियस है तो इसके पास ये शेल होंगी। अब इस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब देखें मान लीजिए हमारा वैलेंस शेल ये वाला है, जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो इस इलेक्ट्रॉन पर अपना एक फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। लेकिन जो बीच के ऑर्बिटल है, जो बीच की शेल है, वो क्या करेंगी, एज ए बैरियर काम करेंगी, एज ए स्क्रीन काम करती है कि इसी और उसकी वजह से जो न्यूक्लियस अपना पूरा फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर यानी वायरस सेल के जो इलेक्ट्रॉन पे लगाना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन जो सॉरी वो फोर्स जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि यहां पे होता क्या है कि जब हमारा ये न्यूक्लियस इस शेल पर यानी शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उस पे जो अपना फोर्स लगाएगा तो जो बीच के जो शेल है वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्या करेंगी, ये इसको यहां पे खींचेगा, इसको यहां पे, इसके बीच में रिपल्शन होता है। जब रिपल्शन होगा तो होता क्या है कि जो ये न्यूक्लियस हमारा है उसका जो फोर्स है वो उस इलेक्ट्रॉन पर जितना लगाना चाहता है वो कुछ रिड्यूस हो जाता है, क्या होता है, कुछ रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। फिर से समझते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जब अपना जितना भी फोर्स लगाना चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन पर वो फोर्स बीच में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम चार्ज है तो इनमें रिपल्शन होने लगता है। जब इनमें रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है तो इस रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे और ये जो न्यूक्लियस हमारा है वो जो इतना फोर्स लगाना चाहता है वो फोर्स कुछ कम हो जाएगा और कम करने वाला जो फैक्टर होता है वो स्क्रीनिंग फैक्टर या शील्डिंग फैक्टर कहलाता है। इसी को हम लोग शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसको सिग्मा से या अगर कहें इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से भी करते हैं एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूक्लियस अपना इस इलेक्ट्रॉन पर जितना भी फोर्स लगाना चाहता है बीच की जो शेल होती है ऐसे स्क्रीन ऐसे बैरियर ऐसे शील्ड का काम करती है, इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। इसको डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर जितना भी न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहता है वो कुछ रिड्यूस हो जाता है, उसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये क्यों, ऐसा फैक्टर क्यों होता है, यानी ऐसा क्या होता है कि जो ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर वो कम लगता है, ड्यू टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या इसको ऐसे इनर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे इसके यानी कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इतना ज्यादा होगा। इसका ऑर्डर देखें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर आता है एस में सबसे ज्यादा, अगेन पी, अगेन डी एंड ए। एस का जो शेल होगा वो ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू पी डी एंड एफ। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, किसकी,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड इफेक्टिव से। समझा, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे न्यूक्लियस है, इसका पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिवली चार्ज होता है। जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये टोटल एक्चुअल फोर्स हो गया। लेकिन क्या हुआ कि बीच में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो पूरा फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होने देते, यानी पूरा फोर्स जितना ये फोर्स न्यूक्लियस लगाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, कुछ कम करता है। उसी जो कमी होती है जितना, यानी कि जो कमी होती है उसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, और जितना नेट फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है, नेट चार्ज जितना एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? नेट चार्ज एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज कर दे तो और अच्छी हो जाएगी डिफरेंशिएशन। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। छोटी सी डिफरेंशिएशन आपके बहुत काम आएगी। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाई एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। अब उसके बाद देखें जेड इफेक्टिव में होता है इसको हम लोग एक फार्मूला होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। सिग्मा या एस दोनों आ सकता है, ये इसका फार्मूला हो गया कि हमारा जो कोई भी न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है कितना एक्चुअल में फोर्स अप्लाई कर रहा एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लोग जेड इफेक्टिव से कहते हैं। और जेड एक्चुअल क्या है? जेड एक्चुअल यहां पे अगर करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कितना प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो एक्चुअल जेड होगा, और सिग्मा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होगा? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो आप लोगों ने देखा कि शील्डिंग इफेक्ट होता है या हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसको हम लोगों ने कैसे डील किया। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अगर ट्रेंड देखें पीआर टेबल में, तो पीआर टेबल हम जानते हैं कि हमारा पीआर टेबल में देखें ऐसे, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया हमारा ग्रुप और ये हो गया पीरियड। ऐसे ही होता है, ये पीरियड होता है, ये ग्रुप होता है। देखिए हम लोग जब यहां से यहां जाएंगे तो जो सेल होती है यानी सेल नंबर ऑफ सेल होता है, नंबर ऑफ सेल ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप उसी सेल में फिल होते रहते हैं। तो जब फिल होंगे तो जो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा और जो जेड इफेक्टिव होगा वो ज्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव पीरियड में इंक्रीज करता है, ग्रुप में यहां पे देखिए ग्रुप में क्या होगा, जो सेल है वो क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा। सेल में जो नंबर ऑफ सेल होता है वो इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एक एक इंटर रहते हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही रहते हैं। अब यहां पे क्या होगा? तो जब सेल बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? जेड इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो हम लोग यहां से एक आर्डर निकाल सकते हैं कि सेल डाइवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। बात क्लियर है ना? अब यहां पे देखें एक चीज और कि जो हमारे पास अगर सिग्मा की वैल्यू यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज करेगा। क्या कहा मैंने कि अगर ये इंक्रीज करेगी वैल्यू तो हमारा जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्योंकि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? हमारी जो वैल्यू है जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। क्या होगा? मोर सिग्मा लेस जेड इफेक्टिव। जितनी ज्यादा सिग्मा की वैल्यू होगी उतना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा।
ठीक है ना, इसको आप लोग देखेंगे एक बार। अब आप लोग देखते हैं स्लेटर रूल क्या है। स्लेटर रूल को बेसिकली हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम लोग पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम लोग देखिए स्लेटर रूल को सबसे पहले दिया था जॉन सी स्लेटर, कब दिया था 1930 में दिया था। उन्होंने एक लॉ दिया, उसी के बेस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इनटू ए सीक्वेंस ऑफ ग्रुप इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया था, वैसे ही हम लोग यहां पर बनाएंगे, लेकिन वहां पे हम लोगों ने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहां पे हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए हम कैसे बनाते हैं, पहला आएगा 1s, उसके बाद 2s, 2p, 2 यानी s और p सेम ग्रुप में है, उसके बाद 3s, 3p, अगेन 3d। देखिए 3d हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहे हैं। 3d अब मैं चाहता तो 3 इसमें रखता, इस ग्रुप में रखता। ये बेसिकली हम लोग जो इसको कर रहे हैं ग्रुप वाइज कर रहे हैं। 1s का एक ही ग्रुप है, 2s में देखें 2 में 2 आता है, s और p आता है, ऐसे यहां पे जबकि d को और f को हम लोग अलग रखेंगे। 4s 4p को ग्रुप में बना दिए, उसके बाद 4d और 4f को अलग अलग, अगेन उसके बाद 5s 5p एक ग्रुप में, उसके बाद 5d और 5f pt से, ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे। ये इस तरीके से सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, इसको भूलेंगे नहीं, ऐसे हम लोग पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब देखिए इसमें अगर हमारा जो जितना जिस इलेक्ट्रॉन पे हमको निकालना है, अब उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल ग्रुप इन ऑर्बिटल ऑन राइट साइड विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया है, अब इसके राइट साइड में जितने भी होंगे ये कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, इसका कोई कंट्रीब्यूशन हम लोग नहीं होगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग इफेक्ट में इसका कोई कंट्रीब्यूशन एकदम नहीं होगा। चले तीसरा, अब यहां पर इसका डाटा को आपको याद करना होगा। देखिए सेम इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर क्वांटम नंबर सेम रहेगी तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 0.35, ये सबके लिए है, एस पी डी एफ सबके लिए। एन माइनस वन अगर है तो वहां पे एस और पी के लिए आता है 0.85, और एन माइनस वन अगर डी और एफ के लिए है तो 1, और एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर सो ऑन, तो होगा एस पी डी एफ के लिए वैल्यू सेम होगी। अब यहां पे ये एन और एन माइनस वन एन माइनस टू है क्या, देखिए मैं थोड़ा सा बनाता हूं आप लोग देखें, ये हमारा न्यूक्लियस, अब देखिए जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे हमको निकालना होगा वो n, जिस पे निकालना होगा ये n माइनस वन, अंदर की साइड आएंगे तो n माइनस वन और ये n माइनस टू, अगर बीच एक और बना दें ये हो जाएगा n माइनस थ्री, कितना रहेगा n माइनस थ्री। अब देखें सबसे बाहर की तरफ अगर n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल टू n, n सिर्फ n है तो आएगा 0.35, उसके बाद फिर कितना आएगा s के लिए मैं लिख रहा हूं, फिर आएगा n माइनस वन के लिए आएगा 0.85, उसके बाद आएगा n माइनस टू और n माइनस थ्री के लिए आएगा कितना आएगा 1, यहां भी 1 होगा। अब ये किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा s एंड p के लिए। ऐसे ही अगर मैं f के लिए बनाऊं, d और f के लिए देखें यहां पे होगा 0.35 1 1 1, ये किसके लिए है d एंड f के लिए। अब ये देख लें कि n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री है क्या, अभी हम लोग आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
चलिए एक और मटेरियल बनाता हूं आपकी आसानी के लिए, पहले यहां पे ऑर्बिटल और यहां पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। चलिए ये हो गया n, ये हो गया n माइनस वन और ये हो गया n माइनस टू एंड n माइनस थ्री ईटीसी, क्योंकि हम जानते हैं कि n माइनस टू सबसे सेम होता है। अब यहां पे चले ये मैं बनाता हूं किसके लिए, s एंड p के लिए। s एंड p के लिए देखें आया क्या, n की वैल्यू कितनी है s और p के लिए, तो आएगी 0.35। n माइनस वन के लिए आती है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और यहां पर 1.00। ये हमारा हो गया किसके लिए, ये खत्म हो गया s और p के लिए। अब उसके बाद हम लोग d एंड f के लिए बनाते हैं। देखें उसके लिए भी n की यहां पे सेम रहेगा और यहां पर कितना आएगा 1.00 और यहां भी 1.00। बस एक एक्सेप्शन इसमें है, देखिए अगर n की वैल्यू 0.35 तो होगी, अगर हम लोग लेकिन 1s पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.30 हो जाएगी। कितनी रहेगी, 0.30 हो जाएगी। आप याद रखें ना, क्योंकि इसका अक्सर आता नहीं है, इसीलिए यही एक डाटा हमको याद रखना है। चले मैं एक एग्जांपल करता हूं, आप लोग देखें Fe26 का। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे हम लोग, जो अभी मैंने लिखा था उसके अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस पे कैसे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सिग्मा की वैल्यू, क्योंकि ये जितना हम लोगों ने पढ़ाया है इसके लिए सिग्मा की वैल्यू स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए सिग्मा के लिए हम लोग, अब मान लीजिए कि मैं निकाल रहा हूं 3d के लिए, 3d इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूं, तो आप देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। जिस एक इलेक्ट्रॉन पर निकालेंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जिस, यानी कि अगर जितना इलेक्ट्रॉन यहां पे है उसको एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे, यानी उसी इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। 5 इलेक्ट्रॉन बचे तो कितना आएगा, ये n हो गया, ये n माइनस वन हो गया, ये n माइनस टू हो गया और ये n माइनस थ्री हो गया। देखो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू ग्रुप कर लिया। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा की वैल्यू किसके लिए, देखें n के लिए कितनी है, कौन सा है, d है ना, तो d के लिए हमारा है 0.35 प्लस। अब n माइनस वन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 8 इंटू पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना है 0.85 प्लस का साइन। अब देखें ये n माइनस टू n माइनस थ्री के लिए वैल्यू सेम होती है, तो यहां पे 8 2 10 इंटू 1.00। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर ले, देखिए आ जाएगा 19.75। तो z इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है z माइनस सिग्मा, वैल्यू रखें z इज इक्वल टू 26 माइनस 19.75, हमारा आंसर आएगा 6.25। तो z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, 6.25 है। अब चले मैं इसके लिए निकालता हूं, एक बार इसके लिए निकालता हूं। चले अभी इस इलेक्ट्रॉन के निकाला, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 1 हो जाएगा, ये n माइनस 1 हो जाएगा और ये n माइनस 2 हो जाएगा। अब देखें अब इस ग्रुप के इस साइड जितने भी हैं इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, इस साइड कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब यहां पे देखिए n के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8, तो एक कम कर देंगे, यानी 7 × 0.35 प्लस। उसके बाद यहां पर देखें n माइनस वन के लिए कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 × 0.85 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 × 1। सॉल्व करें कितना आएगा, देखें आ जाएगा 11.25। अब z इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है 26 माइनस 11.25 और आ जाएगा 14.75। ये हमारा आंसर आ गया, इसको हम लोग z इफेक्टिव को, अगर हम लोग इस पे निकालेंगे तो ये n हो जाएगा, ये n माइनस वन हो जाएगा, अगर मैं इस पे निकालूं तो ये n हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा, ये n माइनस टू,
ये n माइनस थ्री और ये n माइनस फोर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही शेटल रूल को आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको ये वाला जो टेबल बनाया है ये आपको याद रखना चाहिए, तभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को शेटल रूल, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।